तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये एक आसान सवाल है। यहाँ पे कहता है कि एक कार है जो हॉरिजेंटल रोड पे टर्निंग ले रही है, उस हॉरिजेंटल रोड की रेडियस कितनी है? 45 मीटर है, ठीक है। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज 2 पॉइंट है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ टर्निंग। देखो यहाँ जो रेडियस सर्कल बनाओगे तो सर्कल कुछ ऐसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको देखोगे तो कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर सर्कल देखोगे तो ऐसा कुछ सर्कल आएगा, कर्वेचर, ये जो कर्वेचर मुड़ रही है वो ऐसी कुछ होगी। तो ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर की जो रेडियस है प्यारे बच्चों, इसकी, इस कर्वेचर यहाँ पे जिस, ये हॉरिजेंटल रोड है ध्यान रखना, तो यहाँ से जो रेडियस है वो हमको दिया हुआ है। तो रेडियस कितनी है? 45 मीटर है। तो अगर रेडियस 45 मीटर है और यहाँ से जो मैक्सिमम स्पीड से जो मुड़ सकती है वो मैक्सिमम स्पीड कितना है भाई, वो हमें निकालना है। और यहाँ पे ग्राउंड म्यू जो है वो दिया हुआ है कितना है, 2.0। अब वी नो ऑलरेडी, हमें फार्मूला याद है, मैक्सिमम स्पीड जो होती है हॉरिजेंटल पे, हॉरिजेंटल रोड पे मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो म्यू आर जी अंडर रूट होती है, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लो, इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो स्केटिंग हो जाएगा और इस केस पे फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा। तो ये म्यू की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 10 डाल दो और ये है 45, ठीक है ना। तो अगर ये 45 है तो यहाँ से यह जाएगा 90, तो यह जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम स्पीड से मुड़ सकते हो। इससे ज़्यादा मुड़ोगे तो गाड़ी स्कीड कर जाएगी बाहर की डायरेक्शन में और एक्सीडेंट हो जाएगा, और इस पे फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों।